हेलो एवरीवन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, दैट इज व्हाट दी क्वारंटीन, दिस इज क्वारंटाइन। ठीक है, क्वारंटाइन स्टैंड फॉर क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है। अब ये जो शब्द है क्वारंटाइन, आपने ये बहुत ज़्यादा कोरोना के टाइम पे सुना ही है। ठीक है, तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है अपन व्हाट्सएप के एग्जाम में कि क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है, तो देखते हैं क्या राइट आंसर होगा। टाइम पीरियड बिटवीन इन्फेक्शन एंड कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस, कि जो इन्फेक्शन हुआ है तब से लेके कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस जब तक नहीं हो जाता, क्या अपन उसको क्वारंटाइन कहेंगे, या फिर टाइम पीरियड बिटवीन डायग्नोसिस एंड द इनिशिएशन ऑफ ट्रीटमेंट ये कहेंगे, या फिर टाइम पीरियड बिटवीन इन्फेक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑर्गेनिज्म, या फिर लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड। अब डियर यहाँ पर अपन क्लियर कट समझने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आपसे पूछा जाता है ना, क्या पूछा जाता है कि आइसोलेशन वर्सेस क्वारंटाइन के बीच में फ़र्क क्या है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, आइसोलेशन तब करेंगे जब कोई व्यक्ति क्या बन गया हो, केस बन गया हो। ठीक है, क्वारंटाइन तब करेंगे जब कोई व्यक्ति क्या हो, कैरियर हो। जस्ट फॉर एग्जांपल आपने देखा ही था कोरोना के टाइम पे क्या हुआ कि पेशेंट जो है, मतलब या फिर अपन बोल सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो बाहर पढ़ रहे थे, वो जैसे ही अपने अपने देश को लौट के वापस आते हैं तो उनको क्वारंटाइन पीरियड पे रखा गया। तो क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है कि किसी भी बीमारी का जो लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड है, उतने समय तक उस बंदे को या फिर उस पर्सन को क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए। अगर उस समय में उसके अंदर कोई भी साइन एंड सिम्टम उत्पन्न होता है तो वो इजीली ये बता देगा कि हाँ भाई पर्सन है ना जो इन्फेक्टेड है। अगर वो सिम्टम साइन एंड सिम्टम उस पीरियड में नहीं आते लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड में, ठीक है, तो वो ये बताएगा कि पर्सन इन्फेक्टेड नहीं है। सो इस वजह से अपना यहाँ पे बेस्ट एंड बेस्ट आंसर जो होगा वो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।